हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनिल है और मैं आपका टेक ट्यूटोरियल्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं आज आपसे कुछ ऐसे ऐप्स के बारे में बात करने वाला हूं जिनकी मदद से आप अपना इंपॉर्टेंट डेटा ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं और उसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। मान लीजिए आप कहीं पर गए हुए हैं और आपके पास वो डेटा नहीं है, तो आप ऐसे में या तो अपने मॉम डैड या फिर फ्रेंड्स को कॉल करेंगे या फिर SMS करेंगे कि आप मुझे ये डॉक्यूमेंट सेंड कीजिए। तो आपको वो डॉक्यूमेंट्स उन्हें मेल या व्हाट्सएप के थ्रू या फिर किसी और के थ्रू सेंड करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, यानी मतलब कि टाइम लगेगा थोड़ा बहुत। तो आप इन सब से बचने के लिए आप अपना डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स उस पर अपलोड कर दीजिए और उसको आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। तो आइए उन ऐप्स के बारे में बात करते हैं। तो जो सबसे पहला ऐप है वो है डिजी लॉकर, जिसका पूरा नाम है डिजिटल लॉकर। और इसमें आपके अगर मान लीजिए आईडी नहीं बनी हुई है, आपको बनाना है आईडी, तो साइन अप पर क्लिक कीजिए। साइन अप पर जब क्लिक करेंगे तो आपको मोबाइल नंबर मांगेगा, मोबाइल नंबर मांगेगा और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो उसमें 6 डिजिट का आपके मोबाइल में पासवर्ड आएगा। अगर आपका उसी एंड्रॉयड डिवाइस में लगा हुआ है वो सिम, तो वो अपने आप एक्सेस कर लेगा। नहीं लगा हुआ तो आपके मोबाइल में मैसेज आएगा, वो 6 अंक का 1 OTP, उसको आप अपने मोबाइल में डाल के अपनी जनरल डिटेल्स, नेम, फादर नेम या फिर ईमेल आईडी, पासवर्ड आपसे पूछेगा। आप इतना डिटेल्स डाल दीजिएगा, कंटिन्यू कर दीजिए, उसके बाद आपकी आईडी बन जाएगी। जब आपकी आईडी बन जाएगी तो आप साइन इन कीजिए। साइन इन में आप आपकी जो ईमेल आईडी होगी वही यूज़र नेम होगा। मैंने अब अपना ईमेल आईडी और जो पासवर्ड मैंने डाला था वो डाल दिया हुआ है। तो अब ये देखिए, मैंने जो 3 फोल्डर्स बनाए हुए हैं, मैंने कब बनाया है और ये पूरी डिटेल्स इसमें आ गई है। अब जैसे मान लीजिए आपको नई नया फोल्डर बनाना है, तो इस फोल्डर में प्लस वाले सिंबल पर क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पर आएगा फोल्डर नेम। जब आप फोल्डर, कोई भी फोल्डर नाम डाल दीजिए, जैसे मान लीजिए न्यू डाल देता हूँ और उसके बाद ओके कर देता हूँ। जब आप न्यू डाल के ओके करेंगे तो आपका न्यू फोल्डर बन जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। आप इस पर यहाँ पर न्यू पर क्लिक कीजिए और ये अपलोड वाले सिंबल पे क्लिक कीजिए और उसके बाद फाइल्स पे क्लिक कीजिए। तो आपके मोबाइल में जो कहीं भी फाइल होगी आप उससे वहाँ से फ़ोटो कलेक्ट कर लीजिए, फ़ोटो या फिर डॉक्यूमेंट आप कलेक्ट कर लीजिए और उसको अपलोड कर दीजिए। मान लीजिए मैंने ये ऐड टेक्स्ट को अपलोड किया, सेलेक्ट करके अपलोड कर दिया, तो ये दिखा रहा है आपको PNG, JPEG और फाइल फॉर्मेट में ही लेगा। तो आप जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपनी कोई इमेज ही अपलोड कर देता हूँ, आप अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दीजिएगा फिर कोई और चीज़। तो मैंने यहाँ पे जब अपलोड कर दी, कुछ फ्यू सेकेंड में आपके अगर नेट स्पीड अच्छी होगी तो आपके फ्यू सेकेंड्स में यहाँ पे हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे मैंने मेरी फ़ोटो अपलोड हो गई है। तो आइए दूसरे ऐप्स की बात करें, तो वो है गूगल ड्राइव, जो कि काफ़ी अच्छी है, यूज़र फ्रेंडली है और उसमें आपको लगभग 15 GB तक का स्पेस भी मिल जाता है, मतलब काफ़ी आपको स्पेस मिल जाता है। और उसमें आप अपना 15 GB तक इम्पोर्टेंट डेटा रख सकते हैं और उसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। गूगल ड्राइव आपके जनरल सारे एंड्रॉयड डिवाइसों में दे दिया जाता है आपको। यहाँ भी आपको प्लस के सिंबल पर क्लिक करना है, फोल्डर बनाना है तो आप फोल्डर पर क्लिक कीजिए और आप ओके कर दीजिए, न्यू फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आप फाइल को उसी फोल्डर पर जाइएगा, फाइल ओपन कीजिए, उस पर क्लिक करेंगे ओपन हो जाएगा। अपलोड्स पे जाइए, अपलोड पे आप अपना डॉक्यूमेंट्स कुछ भी रख सकते हैं इस पे। तो म्यूजिक ट्रैक वैसे मुझे रखना नहीं है, जैसे मान लीजिए मुझे ये फ़ोटोज़ रखनी है, तो मैंने ये फ़ोटो क्लिक की, ये फ़ोटो आ गई। अब इस फ़ोटो को जब ये पूरी अपलोड हो जाएगी तो इसको हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे पूरी फ़ोटो अपलोड हो गई है। तो इस फ़ोटो को मैंने, हाँ, उसी पे उस फ़ोटो पे क्लिक किया, ये फ़ोटो ओपन हो गई। अब इसको यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, बहुत ढेर सारे ऑप्शन है। रिमूव है, प्रिंट है, रीनेम है, तो आप इसमें कहीं। और जो तीसरा है वो है ड्रॉप बॉक्स। ड्रॉप बॉक्स में आपको लगभग 2 GB का स्पेस मिलता है। जैसे इसमें भी आपकी आईडी नहीं बनी हुई तो साइन इन पर क्लिक कीजिए, अपना नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड डालिए। अगर मान लीजिए आप बनी हुई है तो आप इसमें ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के क्लिक कीजिए। आपकी मान लीजिए ईमेल आईडी और पासवर्ड या फिर आप दोनों नहीं करना चाहते तो आपकी गूगल मतलब जीमेल अकाउंट बना होगा, जीमेल अकाउंट आपके मोबाइल में रजिस्टर्ड होगा, उस पर आप क्लिक कीजिए, साइन इन विद गूगल, उस पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद आपकी जितनी मेल्स होंगी उस पर आप
जो मेल से आप करना चाहें उस पे आप क्लिक कीजिए, उसके बाद अलाउ का ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। बस आप अलाउ करेंगे, कुछ देर बाद आपकी साइन इन हो जाएगी। जब आपकी साइन इन हो जाएगी तो आप उसमें भी अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है, ज़्यादा नहीं, वैसे नेट के ऊपर है आपका नेट कैसा। यहाँ पे मान लीजिए मुझे न्यू फोल्डर क्रिएट करना है, तो न्यू फोल्डर क्रिएट क्रिएट न्यू फोल्डर पे करेंगे, और वैसे भी कोई भी नाम दे देते हैं, जैसे न्यू ही डाल देते हैं। उसके बाद क्रिएट कर देंगे, आपका फोल्डर बन जाएगा। आपका फोल्डर ये अपने आप ही ओपन हो गया। उसके बाद आप प्लस के सिंबल पे जाइए, अपलोड फाइल्स या फिर वीडियोस वगैरह कुछ भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये अपने फिर ये इमेज मैंने सेलेक्ट किया, अपलोड हो जाएगी। थोड़ा अपलोड होने में ज़्यादा वैसे टाइम नहीं लगता है। यहाँ पे अभी दिखाएगा आपको कि आपकी कितनी फाइल अपलोड हुई है। ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है। और अपलोड हो गई है, उसके बाद मैंने क्लिक किया तो ये देखिए ये फोल्डर मेरी आ गई, खुल के आ गई। इसको यहाँ पे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपके कई ऑप्शंस दिए होंगे इसमें भी, शेयर का है, मूव का है, प्रिंट का है और डिलीट का है, तो आप इसमें भी कई ऑप्शंस दिए होते हैं। और लास्ट जो है वो है वन ड्राइव। वन ड्राइव की मदद से आप इसमें लगभग 5 GB तक अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। आपकी आईडी नहीं बनी हुई तो साइन अप पर क्लिक कीजिए और अपनी आईडी बनाइए। और मान लीजिए मेरी आईडी बनी हुई है तो मैं अपनी मेल आईडी डालता हूँ और पासवर्ड डालता हूँ। मैंने अपनी मेल आईडी डाल दी और एरो आगे के एरो वाले सिंबल पर क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे मुझसे पासवर्ड पूछ रहा है, तो यहाँ पे मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया और उसके बाद साइन इन पे क्लिक किया। साइन इन पे जब क्लिक करूँगा तो कुछ देर में मेरी आईडी लॉगिन हो जाएगी। यहाँ पे मेरी आईडी खुल गई है। अब यहाँ पे थोड़ा लोडिंग ले रहा है क्योंकि मैंने अपना डेटा हल्का सा डाला हुआ है इस पे। और इस पे भी आप अपना प्लस का सिंबल पर क्लिक कीजिए, अपलोड फाइल, डॉक्यूमेंट्स, क्रिएट डॉक्यूमेंट्स, मतलब आप अपने ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स भी, एमएस ऑफिस के बारे में आपने सुना होगा, तो उसमें आपका अपना डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट फोल्डर भी कर सकते हैं, अपलोड फाइल। मान लीजिए मैंने अपलोड पर क्लिक किया और यहाँ पर मैंने फिर से वही इमेज ली। जैसे मैंने यहाँ पे अपलोड के सिंबल पर क्लिक किया और मैं अपनी इमेज लेता हूँ। मैंने अपनी ये इमेज ली और ये अपलोड हो रही है, मतलब हल्का सा टाइम लगेगा। आप ये मेरी पूरी अपलोड हो गई। अपलोड सक्सेसफुल हो गया और यहाँ पे देखिए ये इमेज यहाँ पे भी आ गया। आप इसको यहाँ पे सेव कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, इसकी डिटेल्स का पता कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को जो आपको ना पसंद में आया हो, या फिर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या कोई भी सुझाव हो तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाइए और कमेंट्स कीजिए। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए उसे। और आप मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कुछ और रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको हेल्प मिलेगी। तो थैंक यू दोस्तों, और अगर आपको ऐसी कोई और वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेशन में कमेंट लिख के कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।